अब सौंप दिया इस जीवन को, अब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में, साईं नाथ तुम्हारे चरणों में, साईं नाथ तुम्हारे चरणों में। साईं जीवन माला प्रस्तुत करते हैं श्री साईं सच्चरित अध्याय 34 कथा मेरे शिरडी के साईं नाथ की। हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की, हम कथा सुनाते साई शिरडी धाम की। ये साई सच्चरित है पुण्य कथा मेरे साई की, ये साई सच्चरित है पुण्य कथा मेरे साई की। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे, मैं हूँ राम गुप्ता। तो हर दिन की भांति आज हम आपको श्री साई सच्चरित अध्याय 34 की पावन कथा संपन्न करने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं। तो बाबा की यह पावन कथा को प्रारंभ करने से पहले जयकारा मेरे शिरडी के साई नाथ महाराज का, बोलिए साचे दरबार की जय। बाबा की यह कथा हम बाबा की द्वारिका माई से शिरडी के साई नाथ महाराज को सुना रहे हैं। बाबा का आदेश है, बाबा के परम प्रिय मानस शिष्य और साईं बाबा सेवा आश्रम के संचालक, जिन्होंने अपना पूरा जीवन साईं की शरण में गुजार दिया, साईं की सेवा में गुजार दिया, उनके आदेश पर संसार में फैली इस महामारी को दूर करने के लिए हम बाबा को यह कथा सुना रहे हैं। तो हम जब बाबा को यह कथा सुना रहे, बाबा बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, तो हम और आप भी इस कथा का आनंद लें और बीच में इस कथा को बिल्कुल ना छोड़ें, चूंकि यह शिरडी के साईं का जीवन चरित्र है। हम बाबा से इसी आशा से यह कथा सुना रहे हैं कि संसार में फैली इस महामारी को बाबा दूर करें। जैसे आपने शिरडी में चक्की चला के गेहूं के आटा से हैजा की महामारी से शिरडी को बचाया था बाबा, वैसा ही कोई चमत्कार दिखा दो, इस संसार को बसा लो, बचा लो बाबा। संसार बहुत दुखी है बाबा, बहुत लोग कष्ट में है बाबा, एक बार अपनी रहम कर दो, रहम नजर कर दो साईं, रहम नजर कर दो साईं, तुम बिन कोई नहीं है साईं सहारा, रहम नजर कर दो साईं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, साईं सच्चरित अध्याय 34 की पावन कथा है सामा के छोटे भाई की पत्नी के बारे में। यहाँ पर बताया गया है सवाली विहीर के समीप सामा के छोटे भाई बापा जी रहते थे। एक बार उनकी पत्नी को गिल्टियों वाला प्लेग हो गया, उसे ज्वर भी हो गया और उसकी जांघ में प्लेग की दो गिल्टियां निकल आई। बापा जी दौड़कर सामा के पास आए और सहायता के लिए चलने को कहा। सामा भयभीत हो उठे, उन्होंने सदैव की भांति बाबा के पास जाकर उन्हें नमस्कार किया और सहायता के लिए उनसे प्रार्थना की तथा भाई के घर जाने की अनुमति मांगी। बाबा ने कहा कि इतनी रात्रि व्यतीत हो चुकी है, अब इस समय तुम कहाँ जाओगे, केवल उदी ही भेज दो, ज्वर और गिल्टी की चिंता क्यों करते हो, भगवान तो अपने पिता और स्वामी हैं, वह शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगी, अभी मत जाओ, प्रातः काल जाना और शीघ्र ही लौट आना। सामा को तो उस मित संजीवनी उदी पर पूर्ण विश्वास था, उसे ले जाकर उसके भाई ने थोड़ी सी उदी गिल्टी और माथे पर लगाई और कुछ जल में घोलकर रोगी को पिला दी। जैसे ही उसका सेवन किया गया वैसा ही पसीना प्रभावित होने लगा, ज्वर मंद पड़ गया और रोगी प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गया। दूसरे दिन बापा जी ने अपनी पत्नी को स्वस्थ देखकर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया कि ना तो ज्वर है और ना गिल्टी का कोई चिन्ह ही है। दूसरे दिन जब सामा बाबा की आज्ञा प्राप्त कर वहां पहुंचे तो अपने भाई की स्त्री को चाय बनाते देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने भाई से पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि बाबा की उदी ने एक रात्रि में ही रोग को समूल नष्ट कर दिया। तब सामा को बाबा के शब्दों का मर्म समझ में आया कि प्रातः काल जाओ और शीघ्र लौट कर आओ। चाय पीकर सामा लौट आए और बाबा को प्रणाम करने के पश्चात कहने लगे कि देवा यह क्या नाटक है, पहले बवंडर उठाकर हमें आसान कर देते हो, फिर अपनी शीघ्र सहायता कर सब ठीक ठाक कर देते हो। बाबा ने उत्तर दिया, तुम्हें ज्ञात होगा कि कर्म पथ अति रहस्यपूर्ण है, यद्यपि मैं कुछ भी नहीं करता फिर भी लोग मुझे ही कर्मों के लिए दोषी ठहराते हैं, मैं तो एक दर्शक मात्र ही हूँ,
केवल ईश्वर ही एक सत्ताधारी और प्रेरणा देने वाले हैं, वे ही परम दयालु हैं। मैं ना तो ईश्वर हूँ और ना मालिक, केवल उनका एक आज्ञाकारी सेवक ही हूँ और सदैव उनका स्मरण किया करता हूँ, जो निर्भिमान होकर अपने को कृतज्ञ समझकर उन पर पूर्ण विश्वास करेगा, उनके कष्ट दूर हो जाएंगे और उसे मुक्ति की प्राप्ति होगी। ईरानी कन्या के बारे में बताते हैं, बाबा ने कहा है कि उसे मुक्ति की प्राप्ति होगी। कितना सुंदर उपदेश है कि जो बाबा का ध्यान करेगा, जो उनका स्मरण करेगा, उस पर साईं अपनी अपार कृपा करेंगे। तो साईं 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 जपते रहो, और दिन में 24 घंटे में अगर आप साईं राम की माला हृदय में स्मरण करेंगे तो साईं आपके ऊपर अपनी अपार कृपा बनाए रहेंगे। आगे की कथा है ईरानी कन्या। अब एक ईरानी भद्र पुरुष का अनुभव पढ़िए। उनकी छोटी कन्या घंटे घंटे पर मूर्छित हो जाया करती थी। उसके दांत कस जाते थे, उसके हाथ पैर ऐंठ जाते थे और वह बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ती थी। जब नाना प्रकार के उपचारों से भी उसे कोई लाभ ना हुआ, तब कुछ लोगों ने उस ईरानी कन्या से बाबा की उदी की बहुत प्रशंसा की और कुछ लोगों ने कहा कि वह विलेपाला बंबई में काका साहब दीक्षित के पास से उसे प्राप्त कर ले। तब ईरानी महाशय ने वहाँ से उदी लाकर जल में घोलकर अपनी बेटी को पिलाया। प्रारंभ में जो दौरे एक घंटे के अंतर में आया करते थे, बाद में वे 7 घंटे के अंतर से आए और कुछ दिनों के पश्चात तो वह पूर्ण स्वस्थ हो गई। हरदा के एक महानुभाव पथरी रोग से ग्रस्त थे। यह पथरी केवल शल्य चिकित्सा द्वारा ही निकाली जा सकती थी। लोगों ने भी उन्हें बताया कि ऐसा करने का परामर्श दिया। वे बहुत ही वृद्ध तथा दुर्बल थे और अपनी दुर्बलता देखकर उन्हें शल्य चिकित्सा कराने का साहस ना हो रहा था। इस हालत में उनकी व्याधि का और इलाज ही क्या था। इसी समय नगर के ईमानदार भी वहाँ आए हुए थे जब वे आए हुए थे जो बाबा के परम भक्त थे तथा उनके पास उदी भी थी और कुछ मित्रों के परामर्श देने पर के पुत्र ने उनसे कुछ उदी प्राप्त कर अपने वृद्ध पिता को जल में मिलाकर पीने को दी। केवल 5 मिनट में ही उदी के पेट में जाते ही पथरी मल मूत्रेंद्री के द्वार से बाहर निकल गई और वह वृद्ध शीघ्र ही स्वस्थ हो गई। जिसे भी उदी है तो बाबा के वचनानुसार उदी को जल में घोलकर पिए, बाबा की कृपा होगी तो आपकी पथरी रोग दूर हो जाएगी। बंबई की एक महिला की प्रसव पीड़ा यहाँ पर बताते हैं। बंबई की एक कायस्थ प्रभु जाति की एक महिला को प्रसव काल में असहनीय वेदना हुआ करती थी। जब वह गर्भवती हो जाती तो बहुत घबराती और किंकृत विमूढ़ हो जाया करती थी। इसके उपचार्थ उनके एक मित्र श्री राम मारुति ने उनके पति को बताया कि यदि इस पीड़ा से मुक्ति चाहते हो तो अपनी पत्नी को शिरडी ले जाओ। पुनः जब उनकी स्त्री गर्भवती हुई तो वे दोनों पति पत्नी शिरडी आए और वहाँ कुछ माह ठहरे। वे बाबा की नित्य सेवा करने लगे और उन्हें बाबा के सत्संग का भी लाभ हुआ। कुछ दिनों के पश्चात जब प्रसव काल समीप आया, तब सदैव की भांति गर्भाशय के द्वार में रुकावट के साथ अधिक वेदना होने लगी। उनकी समझ में नहीं आता था कि अब क्या करना चाहिए। थोड़ी ही देर में एक पड़ोसी आई और उसने मन ही मन बाबा से सहायता की प्रार्थना कर जल में उदी मिला उसे पीने को दी। तब केवल 5 मिनट में ही बिना किसी कष्ट के प्रसव हो गया और बालक तो अपने भाग्य अनुसार ही उत्पन्न हुआ, परंतु उसकी माँ की पीड़ा और कष्ट सदैव के लिए दूर हो गए और वे अपने को बाबा का कृतज्ञ समझने लगे और जीवन पर्यंत उनके आभारी बने रहे। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभम भवतु। अध्याय 34 संपूर्ण। तो आपने देखा उदी के चमत्कार, बाबा ने कैसे एक भक्त को पथरी रोग से बचाया, एक भक्त महिला को प्रसव की पीड़ा से बचाया। तो बाबा के उदी के चमत्कार इतने हैं कि जो भक्त प्रतिदिन माथे पे बाबा की उदी लगाएगा, बाबा की उदी एक कवच का काम करेगी और आपके जीवन में आ रहे कष्टों को दूर करेगी और सदैव आपकी सहायता करेगी।
तो साई सचरित अध्याय 34 की यह पावन कथा संपूर्ण हुई। आज बाबा से प्रार्थना करते हैं बहुत ही प्यारे ढंग से और अंतर आत्मा से, तो साई रहम जरूर करेंगे। रहम नजर करो अब मोरे साई, रहम नजर करो अब मोरे साई, अब मोरे साई। तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई, रहम नजर करो अब मोरे साई, अब मोरे साई। साई जीवन माला के सभी दर्शकों के लिए मैं बाबा की द्वारका माई से प्रार्थना करता हूँ कि जो भक्त बाबा की इस पावन कथा को सुन रहा है बाबा, उन सब के जीवन में आ रहे कष्टों को दूर करें बाबा, उन पर अपनी अपार कृपा बरसाएं बाबा। आपकी द्वारका माई से निकले साई आपके वचन कभी छूटे साबित ना हो बाबा। रहम नजर करना साई उन सब भक्तों का बाबा जो कष्ट से परेशान है और संसार में फैली इस महामारी को नाश करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, साई सचित अध्याय 35 की पावन कथा हम आपको कल से सुनाएंगे। जो भक्त बाबा किस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि सर्वप्रथम आप बाबा के इस महाग्रंथ के वीडियो प्राप्त कर सके और सर्वप्रथम जो सुनेगा उस पे साईं की अपार कृपा होगी, क्योंकि वह सर्वप्रथम साईं की शरण साईं के दरबार में पहुंचेगा। और आप सभी मुझे मेरे चैनल राम गुप्ता लव पे सब्सक्राइब कीजिए और जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए, गुरु जी से संपर्क करने के लिए आप गुरु जी के चैनल साईं का बंदा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। ओम साईं।